Assalamualaikum dear students, how are you all? Students, open your textbook page number 8, SST textbook page number 8. Lesson number 2 is land and water. Our earth is the only planet which has life. Earth hi wo hamara, sirf earth hi hamara wo planet hai jis par zindagi jo hai wo mumkin hai, jis pe hum log rehte hain. Looking at the globe, it can be seen that the surface of the earth is made up of land and water. अगर हम globe में देखें तो हमें ज़मीन की सतह जो है वो ज़मीन और पानी से बनी हुई दिखाई देगी. यानी ज़मीन की सतह पर किस चीज़ से बनी है, या आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके MCQs क्वेश्चन आ सकते हैं कि ज़मीन की सतह किन दो चीज़ों से मिलके बनी है, तो लैंड एंड वाटर. नंबर वन हम पढ़ेंगे लैंड के बारे में. लैंड, अ वेरी बिग पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जमीन की का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कॉन्टिनेंट मीन बड़े आजम कहलाता है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में 7 बड़े आजम हैं. नंबर 1 एशिया, ऑल ऑफ यू रिवाइज दिस नेम, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये सात बड़े आज़म हैं दुनिया के. ऑल ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय वाटर. और ये 7 कॉन्टिनेंट जो हैं वो इनके इर्द गिर्द पानी पाया जाता है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. एशिया जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन एशिया. पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में वाकिया है, एशिया में वाकिया है. टर्न योर पेज, पेज नंबर 9, वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ज़मीन पे रहने वाले तमाम जानदारों के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ मेड अप ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन एंड सी. ज़मीन का 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है, ओशन और समुंदर की शक्ल में. द 5 लार्ज ओशंस आर, आपने मेरे साथ ये नेम्स रिवाइज करने हैं. पैसिफिक ओशन, ये दुनिया के 5 बड़े समुंदर हैं. अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 ओशंस. इन 5 ओशंस में से पैसिफिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है. कौन सा बड़ा ओशन है, पैसिफिक ओशन. आगे 4 मेन ओशंस के बारे में आपको बताया गया है. पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, ये बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओशन भी कहलाया जाता है. अटलांटिक ओशन अबाउट हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये तकरीबन पैसिफिक ओशन के हाफ साइज में आता है. इंडियन ओशन स्लाइटली स्मॉलर देन द अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन से छोटा होता है. एंड आर्कटिक ओशन अबाउट 7% द साइज ऑफ पैसिफिक, यानी सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन का 7% हिस्सा जो है, यानी 7% के हिस्से के बराबर होगा पैसिफिक ओशन के. जी, नाउ द नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म. Different shapes of the surface of land are called landform. Different shapes of the surface of land are called landform. आपने देखा होगा ज़मीन भी है, जो हमारी लैंड भी है, वो भी एक जैसी नहीं है. कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे जो है वो प्लेन है, कहीं पे जो मैदान बने हुए होते हैं वो प्लेन है, लेकिन कहीं पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे हैं. तो इसलिए ज़मीन की सतह भी वो एक जैसी नहीं है. द लैंड हैज़ प्लेन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वैली, रिवर, डेजर्ट, आइलैंड, सी,
ओशंस एटसेट्रा, यानी कहीं पे सतह जो है वो बहुत सीधी है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं दरिया हैं, कहीं रेगिस्तान हैं, कहीं समुंदर है, कहीं दरिया हैं, यानी ज़मीन की सतह भी जो है वो एक जैसी नहीं है। चले आज अब हम इन पिक्चर्स को देखते हुए लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्लेन, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। लुक एट दिस पिक्चर, यानी कि बिल्कुल फ्लैट लैंड को हम लोग प्लेन कहते हैं, ठीक है, यानी प्लेन, सीधा बिल्कुल। हिल, हायर देन द लैंड, ये जमीन से थोड़ी ऊंची होती हैं, इसलिए इनको हिल्स कहा जाता है। माउंटेन्स, वेरी हाई हिल्स, और बहुत ज़्यादा ऊंची हाई हिल्स को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से बहुत ऊंची होती हैं, यानी हिल्स से भी बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए इनको माउंटेन्स कहा जाता है। फॉरेस्ट यानी जंगल, लार्ज एरिया ऑफ ट्री, जहाँ पे ट्रीज़ की तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है उसे हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। वैली, लो एरिया बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल, हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान एक ऐसा एरिया जहाँ पर आबादी भी रह लेती है, ठीक है, उसको हम लोग वैली कहते हैं, यानी माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान के एक छोटे हिस्से को हम वैली कहते हैं। डेजर्ट, हॉट ड्राई एंड सैंडी लैंड, यानी रेतला खुश्क और गर्म इलाका, उसे हम सहरा कहते हैं। आइलैंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर, एक ऐसा हिस्सा जमीन का जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है, और ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, और उस ज़मीन के टुकड़े को हम लोग आइलैंड कहते हैं। प्लेटू, माउंटेन्स हैं, प्लेटू का एरो देखें, माउंटेन्स के दरमियान बिल्कुल प्लेन जगह को हम प्लेटू कहते हैं। फ्लैट एरिया हायर देन द लैंड अराउंड इट, ज़मीन के गिर्द और थोड़ा सा हाई एरिए को, लेकिन होता वो बिल्कुल सीधा है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक तरफ माउंटेन्स हैं, लेकिन माउंटेन्स के सेंटर में जो फ्लैट एरिया है उसे हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा दोनों पहाड़ों के दरमियान, माउंटेन्स के दरमियान एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल सीधा होता है उसे हम प्लाटो कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, स्ट्रीम्स, थिन मतलब पतली एंड नैरो बॉडी ऑफ द वाटर, यानी पतली और तंग जगह जहाँ से पानी गुजरता है उसको हम लोग नदियाँ यानी स्ट्रीम कहते हैं। और रिवर, लॉन्ग फ्लोइंग बॉडी ऑफ द वाटर, यानी लंबा और बहता हुआ पानी जो है, जहाँ पे पानी बहता रहता है, चलता रहता है, उसे हम लोग रिवर कहते हैं। सी, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम लोग सी कहते हैं। एंड ओशन, द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर, यानी सी से भी बहुत बड़ा। आपको पता है सी और ओशन में डिफरेंस ही यही है कि सी जो है वो जमीन का एक लार्ज हिस्सा है, ठीक है, बट ओशन जो है वो हमारी जमीन का लार्जेस्ट हिस्सा होता है, ठीक है। आपसे अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं, द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज अ सी एंड द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इज अ ओशन। और एक और बात है कि यहाँ पे इसकी गहराई जो है वो कम होती है, जबकि ओशन की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा डीपेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ओशन जो है सी, लेकिन इतना ज़्यादा डीपेस्ट नहीं होता, होता सी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ओशन से कम, ठीक है। सी में ज़्यादातर बहरी हयात जो है, यानी मछलियाँ जो हैं, ये ज़्यादा पाई जाती हैं सी में, बट ओशन में बहरी हयात जो होती है वो
कम होती है, वहां पे ज्यादा जानवर नहीं पाया जाता। अमेजिंग फैक्ट है, अबाउट 70% ऑफ अर्थ वाटर इज इन द ओशन। हमारी जमीन का तकरीबन 97% पानी जो है वो ओशंस में पाया जाता है। बट इट इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग प्लांट्स। लेकिन ये बहुत नमकीन होने की वजह से ना तो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ना ही फसलों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, रिवाइज दिस रीडिंग 4 टाइम्स। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।